अस्सलाम वालेकुम अल्लाह बरकातहू। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आ गई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ और आज हमारा माशाल्लाह से 16वें रोज़े की सहरी है और अभी हम सहरी क्या करेंगे हम दिखाते हैं और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। जो न्यू है मेरे ब्लॉग पर प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, फॉलो करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसे लगे, अच्छे बुरे जैसे भी लगे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी कल वाली पराठे और छोले जो कि मैंने बनाए थे, जो मैंने बताया था, खैर और ये छोले बहुत टेस्टी और मज़ेदार थे इसलिए हमने कहा कि आज भी हम खाएंगे। और ये देखो ये इंडोमी खा रही है और साथ साथ मेरा व्लॉग देख रही है। क्या है ये इंडोमी, कोई खाते हैं सहरी में? चलो हम भी सहरी खाते हैं। तो ये सारा दिन रेसिपीज़ देख के मेरा सारा दिन रेसिपी बनाने का दिल चाहता है। तो मैं बना रही थी आज स्ट्रॉबेरी पुडिंग, उसके लिए सारी काफ़ी सारी हमें चाहिए थी क्रीम। अब मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने एक ही रेसिपी दिखी थी, तो मैंने कहा ये शेयर करते हैं और बनाते हैं कि ये वर्क करती है या नहीं। तो हमने क्या किया, पहले ले लिया मिल्क, मिल्क में हमने डाल दिया कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च डालने के बाद इसको अच्छे से हल कर लेना है ताकि जो कॉर्न स्टार्च है वो सही से मिक्स हो जाए अपने मिल्क के साथ। उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया है ताकि मीठा सही रहे। अब रोज़ा था, मुझे पता नहीं था, मैंने चीनी डाल दी पर मेरा चीनी ठीक रही थी। उसको फिर हमने पकाने ना हल्की धीमी आंच में जब तक हमारा कंसिस्टेंसी ऐसी ना हो जाए, कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे एंड बाद में यूज़ करेंगे। गर्म यूज़ नहीं करना वरना सारा बर्बाद हो जाएगा। खैर इसको हमने ठंडा करने के बाद एक बॉल में निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर गिश्ता ऐड करेंगे, गिश्ता ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गिश्ते को ताकि क्रीम के साथ मिक्स हो जाए और नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। खैर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लाइक अपना फ्लेवर ऐड कर देंगे, आपको जो फ्लेवर ऐड करना हो कर देना। मैं स्ट्रॉबेरी पुडिंग बना रही हूँ तो मैं स्ट्रॉबेरी सिरप इसमें ऐड कर रही हूँ। उसको करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैं इसमें और ऐड करूँगी एंड इसको साइड पर रख देंगे क्योंकि ये हमारा रेडी हो गया और कुछ इसमें नहीं करना। खैर उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने एक डिश ले ली, उसके ऊपर हमने बिस्किट रख दिए थे दूध में भिगा भिगा के। बिस्किट आप वाले ले जो यानी आपकी डिश पर पूरे अच्छे से परफेक्टली छुप जाए तो ज़्यादा अच्छा, मेरे पास नहीं तो मैंने ये ऐड कर दिया। खैर उसके बाद हमने जो पुडिंग थी वो डाल दी, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया और फिर इसको हम फ्रिज में ठंडा होने के रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। साथ में बना रही थी मैं खोसले, आई डोंट नो आई डिड लाइक प्रोनाउंस परफेक्टली आर नॉट, बट इसके लिए हमें जो ये बंद गोभी, गाजर, चीनी और मायोनीज, बस ये हमारी कॉसले रेडी हो जाएगी जो कि अलबेक के साथ मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से डाली जाती है जेली, फिर वो जेली जिगली जिगली नहीं करती क्रीम को, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसी तरह आप डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं और पतीली को खाली कर दें। ऐसे करके रखनी पड़ेगी कि देख यहाँ यहाँ जाइए ना यहाँ जाइए। हमने जेली डाल के उसको आराम फरमाने के लिए फ्रिज में तशरीफ़ रख दिया था। उसके बाद हम बना रहे थे दही बल्ले, आई मीन दही भुलकिया, आई मीन जो भी कह ले आप लोग। क्या उसके बाद मैंने बनाए थे कचौरी, बिकॉज़ कचौरी हमें आई थी फरमाइश पे, उसके लिए आज मैंने यूज़ की थी डिफरेंट टाइप की अंदर फीलिंग। आप देखिए कचौरी ऐसे बनाने के बाद आप इसके अंदर कोई भी फीलिंग कर लेते हैं, मीठी भी फीलिंग कर ले सकते हैं, नमकीन भी कर सकते हैं। तो इस बार मैंने की थी चिकन और लाइक थोड़ा सा पिज़्ज़ा टाइप का मैंने इसमें फ्लेवर दिया था। खैर आज हमारे घर में आई थी माशाल्लाह इफ्तारी और वो जिनने इफ्तारी भेजी थी वो बेकिंग बहुत टेस्टी और मज़ेदार करती हैं और कुनाफा तो उनका लाजवाब होता है। और लाइक उन्हें हमें सिखाया भी पर भी फिर भी हमसे बनता नहीं है, पर उन्हें आज इफ्तारी भेजी थी तो वही मैं दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी टेस्टी और सब बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए कुनाफा, कुनाफा तो इतना ज़बरदस्त है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी कुनाफा बनाती है। इंशाल्लाह मैं उनसे रेसिपी जल्दी से सीख के ना आप लोग को दिखाऊंगी, या तो अगर चांस मिला तो उन्हीं को बोलूंगी आप ही रेसिपी दिखा दें अगर हो सके। कुनाफा बसबूसा सब टेस्टी बनाती है। और साथ में था यहाँ ये कोरमा, और अभी मुझे वीडियो देख के आया, हमने तो कोरमा खाया ही नहीं। अल्लाह ममा, खैर अभी देखते हैं हम, शायद मुझे लगता है फ्रिज में रखा हुआ होगा, कोई बात नहीं आज खा लेंगे। मुझे लगता है हम कल बहुत भूल गए थे मेहमानों में। ऐसा कुछ हुआ था कि हमने सोचा था कि आज इफ्तारी में हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक सालन बनाएंगे और कुछ नहीं, लेकिन पापा ने बाद में कॉल करके बताया कि मेहमान आने वाले हैं। और तो फिर हमने जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाई कि और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई जैसे कि आप लोगों ने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इफ्तारी कर ली है, अब चाय वाय पियेंगे और मैंने जो मीठा बनाया है वो बना के खाएँगे। तो चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए इफ्तारी के बाद चाय ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ में जो मीठा बना था वो हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे और बड़े प्यार से कट करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि अंदर से भी कितना अच्छा सेट हो गया है और ये बहुत टेस्टी बना था, सबको काफ़ी अच्छा लगा था। आलो भी ट्राई करते हैं। चाय बना रही है, आप ही बनाई है? क्या बनाया लाया आप ही ने? ये तो देखो। और क्या बना रही हैं आप ही? और क्या बना रही हैं? अच्छा खराब नहीं करो, उसमें मुझे भी चॉकलेट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। लाया टेस्ट करके बताएगी कि कैसा बना है। लाया टेस्ट करके बताना है, लाया को जली बहुत पसंद। अरे ऐसे नहीं, ये लो ये लो ये खाओ, इधर आओ, पूरा तो खाओ ना। इधर तो बताओ, कैमरे में बताओ, इधर आके कैमरे में बताओ, कैमरे में बताओ, यम्मी है या नहीं? क्या मैं बोला मज़ेदार, अच्छा यम्मी। चलो नहीं, हार्ट नहीं रहेगा, आप दिखाओ मुझे, ऐसे कैसे करके दिखाओ, ऐसे तो करके दिखाओ है? ये तो छोड़ दो। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप लोग? आज तक जो मुझे सब निकम्मी समझते थे, आज मैं उनको दिखाने वाली हूँ कि मैं कितनी लायक बच्ची हूँ। तो आज हम बनाएंगे कढ़ाई, ये कितनी प्यारी मुर्गी है मेरी तरह। चलो सैया गंदी बच्ची नहीं है, अलाया गंदी बच्ची है। गंदी बच्ची, अलाया गंदी गंदी गंदी। चलो हम खाना बना रहे हैं। तो जी कढ़ाई के लिए ये करना है कि तेल में या मक्खन में इसको अच्छे से भून लें, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद। एंड देन चिकन जब ऐसी फ्राई हो जाए ना, तो थोड़ी सी ब्राउन, उसको बाहर निकाल देना है। मैंने प्याज डाल दिए ताकि इसको ग्राइंड कर दूँ। तो जी हमने सेम ही कढ़ाई में तेल डालने के बाद जो टमाटर और प्याज का मिक्सचर था पहले, वो डाला है और थोड़ा सा इसको भून लिया है ताकि जो प्याज का किच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें इसने नमक डाल दिया है ताकि प्याज जो है वो जल्दी से मर जाए, ताकि मर मिट के हम टमाटर के साथ इसकी दोस्ती करवा दें। टमाटर इसमें ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये मैं क्या फजूल हरकतें करी है मुझे भी नहीं पता, खैर। और फिर इसमें टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा भूनेंगे, और थोड़ा भूनने के बाद ज़रा सा, ज़्यादा नहीं भूनना, उसके बाद हमने मसाले वसाले ऐड कर देना है। इसमें इसने धनिया पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच भर के, फिर ज़ीरा ऐड किया है। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनी थी कढ़ाई में, बता रही हूँ यही बनाएंगे ना, ऐसे ही एग्जैक्ट बहुत टेस्टी बनेंगे। तो इसमें इसने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, ये सब दिखा रही है कि कितना ऐड कर रही है। और साथ में इसने डाली है हल्दी, हल्दी डालने के लिए इसने दिखाया है कि कितनी हल्दी डाली है, ज़्यादा भर के नहीं डाली है, सिर्फ आधा चम्मच डालनी है। और यानी जो चम्मच ये दिखा रही है उसी हिसाब से डालना है, अगर नहीं है आपके पास चम्मच तो आप समझ लीजिए टेबल स्पून है, टेबल स्पून नहीं टी स्पून है। एंड देन इसमें 2 चम्मच भर के इसने सिर्फ हरी लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च डालने के बाद इसको देखें, ये फुट फुट करने लग जाएगा, अगर आप बंद ना करेंगे तो आपके मुँह पर आके आपके चेहरे को जला देंगी। तो उसकी कवर करें, इस पर ढक्कन रख दें और हल्का हल्का खोल के इसको मिक्स करते रहे हैं, क्योंकि हमें भूनना भी है साथ। थोड़ा भूनने के बाद यानी जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा टमाटर, थोड़ा कच्चापन टमाटर का ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें हम जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। और ये देखिए कढ़ाई गोश्त हमें स्पॉन्सर नहीं करना, कढ़ाई गोश्त का ये मसाला था, इसने ये 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेगी और फिर इसको हमें भूनना है, अच्छे से भूनना है। थोड़ा पानी डाल दिया इसके अंदर इसने, क्योंकि थोड़ा कम पानी लग रहा था। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना है जब तक इसके अंदर हमारा जो तेल है वो ना आ जाए। इसमें फिर हम भूनते वक्त 3-4 हरी मिर्च डाल दें, दैन इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद ही तो ये टेस्टी सी लगेगी, वरना ये मज़ेदार नहीं लगेगी। धनिया, अदरक, लहसुन काट काट के बारीक बारीक, और हरी मिर्च काट के इसको ऊपर से डेकोरेट कर दें एंड सर्व करें गरम गरम रोटी के साथ। तो जी इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा कि ये व्लॉग कैसा लगा। और अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इल्लल्लिका, बाय।